लोकसभा चुनाव में सत्ता की टक्कर में बसपा सुप्रीमो मायावती एक से एक गुल खिला रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में मायावती ने एक रैली के दौरान पार्टी में नई पीढ़ी के आगमन का ऐलान कर दिया। दरअसल शनिवार को उत्तर प्रदेश के बदायूं में गठबंधन की एक संयुक्त रैली संबोधित करते हुए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के सक्रिय राजनीति में उतारने का अनौपचारिक ऐलान किया। बता दें कि आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। मायावती ने रैली के दौरान मंच से बोलते हुए मंच पर बैठे आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे भाई का लड़का आकाश आनंद यहाँ बैठा है और मैंने यह फैसला कर लिया है कि इस लड़के को राजनीतिक में जरूर लाना चाहिए। आकाश आनंद के सक्रिय राजनीतिक में आने का ऐलान मायावती भले ही शनिवार को किया हो, लेकिन आकाश लंबे समय से पर्दे के पीछे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आकाश कई बार सार्वजनिक मंचों पर मायावती के साथ देखे जा चुके हैं, जिसके बाद से ही आकाश के बसपा के साथ जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। मायावती के आनंद कुमार भी बसपा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें ही आनंद को इस पद से हटा दिया था। आकाश आनंद उच्च शिक्षित और उन्होंने लंदन से MBA किया है। मायावती ने साल 2017 में सहारनपुर रैली के दौरान पहली बार आकाश का जनता से सार्वजनिक रूप से परिचय कराया था। उसके बाद कई रैलियों में आकाश आनंद मायावती के साथ मंच साझा कर चुके हैं। लिहाजा चुनावी लहर है, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे का आरोप और प्रत्यारोप लगाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये नए चेहरे आदरणीय मायावती के लिए कितना कामगार होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।